हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक शेख। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक हवेली पे। आज हम किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी या किसी कॉमिक की रिव्यू नहीं, बल्कि दो अलग अलग यूनिवर्स के दो हीरोज की पावर को कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कंपेयर करेंगे नागराज और सुपरमैन की पावर को। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नागराज की गिनती आरसी के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरोज में की जाती है। नागराज ने कई बार आरसी यूनिवर्स के खतरनाक से खतरनाक विलेन को धूल चटाई है और खुद की ताकत का लोहा मनवाया है। ठीक उसी तरह डीसी के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरोज में गिनती होती है सुपरमैन की, जिसकी पावर्स के बारे में सारी दुनिया जानती है। सुपरमैन डीसी के उन कुछ प्राणियों में से है जो अपनी शारीरिक शक्ति से ग्रहों की दिशा बदलने में दम रखता है। अब आगे एक प्रश्न उठता है, क्या होगा अगर ये दो सुरमा आपस में टकरा जाएं? उसूलों की बात करें, आदर्श की बात करें या शक्तियों की बात करें, इन दोनों योद्धाओं में से कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन इनकी तुलना करवाने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं, ताकि पता चले इन महाबलियों के असाधारण शक्ति का स्रोत क्या है। तो बात करते हैं इसके ओरिजिन की। नागराज तक्षक नगर के राजा तक्षकराज का पुत्र है, जिसकी माता ललिता पर देव कालजयी क्रोधित होकर अपने विष का प्रहार करते हैं। जब देव कालजयी को अपनी भूल का ज्ञान होता है तो वो ललिता को बचा तो लेते हैं, पर बालक को उस समय के लिए मरा मान लिया जाता है और उसके शरीर को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। वो बहता हुआ नागों के गुप्त नगरी नागद्वीप पहुंचता है, जहां 60 साल उसका इलाज चलता है। लेकिन वहां से भी निकलकर वो नागमणि के हाथ लगता है, जो उसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार में बदल देता है। जब जॉरेल को पता चलता है कि उसका ग्रह क्रिप्टॉन तबाह होने वाला है, तो अपने बेटे कालेल को स्पेसशिप में बैठाकर पृथ्वी पर रवाना कर देता है। पृथ्वी पर काल केन दंपति को मिलता है, जो कि निसंतान होते हैं। वे तुरंत काल को अपना लेते हैं। धीरे धीरे कालेल की पावर्स का पता चलता है, जो कि उसे इस धरती के येलो सन से मिलती है। काल इन शक्तियों का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करता है और लोग उसे कहते हैं सुपरमैन। अब आते हैं इन दोनों की एबिलिटीज यानी क्षमताओं पर। अगर नागराज की बात करें तो इच्छाधारी कणों में बदलकर गायब हो जाना, घाव तेजी से भरना, किसी को भी काट कर गला देना, शारीरिक शक्ति, सम्मोहन शक्ति, सर्परस्सी, विस्फुंकार आदि। और अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपर स्ट्रेंथ, मुंह से फूंक मारकर सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्फ से ढक देना, आंखों से हाई इंटेंसिटी लेजर बीम शूट करना और अनब्रेकेबल शरीर। अब दोनों किरदारों में अगर युद्ध की बात की जाए तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि आरसी और डीसी में कई डिफरेंट टाइमलाइंस हैं और अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग नागराज और अलग अलग सुपरमैन हैं। नागराज की बात करें तो आरसी के आधार पर उसे तीन भागों में बांटा गया है, आतंकहर्ता, विश्वरक्षक और नरकनाशक। और डीसी में आए तो अब तक के सुपरमैन हैं अर्थ वन सुपरमैन, सिल्वर एज सुपरमैन, गोल्डन एज सुपरमैन, न्यू 52 सुपरमैन, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। डीसी के सबसे खतरनाक सुपरमैन है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, क्योंकि उसकी शक्ति बाकी सुपरमैन के मुकाबले कई गुना अधिक है। तो इसको और सिल्वर एज सुपरमैन को इस लिस्ट से हटाना होगा, क्योंकि सिल्वर एज सुपरमैन की कॉमिक्स पुराने समय के हिसाब से आती थी, जिसमें दिखाया जाता है कि वो छींक मारकर ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है और फूंक मारकर ग्रहों को सरका सकता है। इस तरह के लॉजिकल फीट्स आने वाले समय में इनवैलिड हो गई, इसलिए डीसी ने उसे बंद कर दिया। गोल्डन एज सुपरमैन की बात करें तो उसके पास सबसे कम पावर्स थी, क्योंकि डीसी का पहला सुपरमैन था। वो सिर्फ क्रिश की तरह छलांगे मार सकता था और लोहे की दीवारें तोड़ सकता था। अर्थवन सुपरमैन वो सुपरमैन है जिसे हम मूवीज में देखते हैं और जिसमें इतनी एबिलिटीज है जितनी हमने आपको बताई। अर्थवन और न्यू 52 में लगभग एक जैसी पावर है। अब बात करें नागराज की तो शारीरिक रूप से आतंकहर्ता से थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि उसके यूनिवर्स में उसकी पावर्स पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। विश्वरक्षक नागराज बहुत शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि उसके पास अब सुपर वेनोम की पावर भी है और नरकनाशक की पावर का लेवल काफ़ी अधिक है, लेकिन शारीरिक रूप से सबसे सक्षम विश्वरक्षक ही है। अब हम अलग अलग नागराज और अलग अलग सुपरमैन की फाइट करवाएंगे और देखेंगे कि कौन कितना सक्षम है। अर्थवन और न्यू 52 सुपरमैन वर्सेस विश्वरक्षक, ये एक बहुत ही रोचक जंग होगी, क्योंकि एक तरफ वो नागराज है जिसे अब नागरस्सी की ज़रूरत नहीं, जो उड़ सकता है और कई और पावर्स भी हैं, और दूसरी तरफ सुपरमैन जो कि बेहद शक्तिशाली चरित्र है। नागराज की बात की जाए तो वो सुपरमैन की तरह अभेद नहीं है, कुछ हथियार उसको भेज सकते हैं और शारीरिक शक्ति भी सुपरमैन से हल्की सी कम है, लेकिन उसकी और भी अनगिनत खूबियां हैं जो सुपरमैन के पास नहीं है, जैसे कि सम्मोहन, जिससे वो सुपरमैन को पल भर में बेबस कर सकता है।
और त्रिविश्वकर, जिससे सुपरमैन काफ़ी विचलित हो सकता है। सुपरमैन के पास नागराज के खिलाफ जो एडवांटेज है वो है उसकी शारीरिक शक्ति और उसकी स्पीड। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से जिसको पहला मौका मिल गया वही दूसरे को पराजित कर देगा। अर्थवन और न्यू 52 सुपरमैन वर्सेस नरकनाशक नागराज। नरकनाशक के पास यह नुकसान है कि वह उड़ने के लिए सरपट का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुपरमैन पूरी आज़ादी से उड़ता है। नरकनाशक के पास पावर लेवल्स भी बहुत हाई है, लेकिन अगर अर्थवन या न्यू 52 सुपरमैन इससे लड़ रहा है तो इसके हारने के कुछ अधिक चांसेस हैं। गोल्डन एज सुपरमैन वर्सेस आतंकहर्ता। अब आप पूछेंगे कि यही कॉम्बिनेशन क्यों, गोल्डन एज सुपरमैन को नरकनाशक या विश्व रक्षक से क्यों नहीं भिड़वाया, या आतंकहर्ता को अर्थवन या न्यू 52 सुपरमैन से क्यों नहीं भिड़वाया? इसका जवाब यह है कि गोल्डन एज सुपरमैन और आतंकहर्ता दोनों ही सबसे कम क्षमता वाले हैं, तो यह एक फेयर मैच के लिए इन दोनों को ही आपस में भिड़ाना होगा, क्योंकि दोनों के पास सीमित पावर्स हैं, दोनों ही उड़ नहीं सकते और दोनों की शारीरिक शक्ति भी लगभग एक समान ही है। सुपरमैन हो या नागराज, दोनों महानायक बेहद शक्तिशाली प्राणियों में गिने जाते हैं, लेकिन ताकत के साथ इनकी कुछ ऐसी कमजोरियां भी हैं जिनका फ़ायदा उठाकर इनका दुश्मन इनसे जीत सकता है। सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके खुद के होम प्लैनेट क्रिप्टॉन का अंश, जिसका रेडिएशन सामान्य मानवों के लिए तो घातक नहीं पर सुपरमैन को कमज़ोर कर देता है। दूसरी कमजोरी है रेडसन एटमॉस्फेयर। सुपरमैन के होम प्लैनेट क्रिप्टॉन के लोग सुपरमैन जितने शक्तिशाली तभी हो सकते थे जब वो वेलोसन के एक्सपोजर में आए। उनके ग्रह पर रेडसन होने के कारण वो किसी सामान्य मानव जितने ही ताकतवर थे। इसका अर्थ यह होता है कि यदि किसी को सुपरमैन को शक्तिहीन करके कैद करना हो तो उसे रेडसन वाली परिस्थिति क्रिएट करनी पड़ेगी। एक क्रिप्टोनाइट जितना खतरनाक तो नहीं, लेकिन इससे सुपरमैन बेबस हो सकता है। जादुई शक्ति के प्रति सुपरमैन की बेबसी कई बार देखी गई है, लेकिन जादू उस पर बहुत अधिक कारगर नहीं है। नागराज की बात करें तो ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं जब नागराज को नागमणि ने बेबस किया है। नागमणि ऐसा या तो एंटी वेनोम गन के सहारे किया है जिससे नागराज का विष कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाता था, या फिर किसी ऐसे यंत्र की मदद से जिससे उसके शरीर के अंदर बन रहे सर्प खत्म हो जाए, यानी कोई ऐसा तरीका जिससे नागराज के शरीर के अंदर पनप रहे सर्प खत्म हो सकते हैं, उसे मारने के लिए कारगर है। तो अब बारी लास्ट सेगमेंट एनिमी स्वैपिंग की। इस सेगमेंट में हम नागराज और सुपरमैन के दुश्मनों को स्वैप यानी बदल देंगे और देखेंगे कि नागराज और सुपरमैन उनके सामने कितना अच्छा कर पाते हैं। नागराज के कुछ दुश्मन हैं जादूगर शकूरा, नागपाशा, नागदंत और नागमणि। जादूगर शकूरा सुपरमैन पर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है कि जादू के टोने के सामने सुपरमैन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान सुपरमैन का एक भी हाथ गलती से पड़ गया तो शकूरा स्वर्ग सिधार सकता है। नगीना सुपरमैन के लिए शकूरा से बड़ी चुनौती, क्योंकि उसकी सारी पावर्स जादू और मंत्र पे ही बेस्ड हैं, लेकिन सुपरमैन बहुत शक्तिशाली है और नगीना अगर पूरी तैयारी के साथ नहीं गई तो उसको आराम से हरा सकता है। नागदंत और नागमणि नागराज की कमजोरी ढूंढकर उसे अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन सुपरमैन उनको कुछ ही पलों में धूल में बदल सकता है, क्योंकि नागमणि ने नागों पर रिसर्च की है, क्रिप्टोनियंस पर नहीं, और नागपाशा तो है ही डरपोक, वो क्रिप्टोनाइट लेकर भी जाए तब भी शायद सुपरमैन को ना हरा पाए। अब सुपरमैन के कुछ दुश्मन हैं डूम्सडे, लेक्स लूथर और मेटालो। डूम्सडे से जीतना नागराज के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसको हराने के लिए जिस लेवल की शारीरिक शक्ति चाहिए वो सुपरमैन के पास है, पर नागराज का जहर इस दुनिया का नहीं है, तो अगर उसका विष किसी भी तरह डूम्सडे के अंदर पहुंच गया तो उसे गलाया जा सकता है। लेक्स लूथर के पास कोई सुपर पावर नहीं है, पर वो बेहद शातिर दिमाग का स्वामी है, और दिमाग क्या कर सकता है ये तो ध्रुव रीडर्स जानते ही होंगे। नागराज या सुपरमैन जैसी शक्ति को अगर कोई प्लानिंग के साथ मार सकता है तो वो है लेक्स। मेटालो सुपरमैन के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसके मशीनी शरीर के सीने में क्रिप्टोनाइट का धड़कता दिल लगा हुआ है, जिसके एक्सपोजर पर सुपरमैन अपनी सुध-बुध खो देता है, लेकिन नागराज के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो नागराज अगर चाहे तो अपने हाथों से ही मेटालो के पुर्जे अलग कर सकता है, उसे किसी शक्ति के इस्तेमाल की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी नागराज और सुपरमैन की पावर। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इन दोनों की फ़ाइट हुई तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।